मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजों से तय हो गया है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में मोदी मैजिक बरकरार है। लेकिन इन राज्यों में बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बैठाएगी, तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में शायद एक बार फिर से शिवराज सिंह को सीएम बनाया जा सकता है। दरअसल जैसे जैसे बीजेपी के खातों में सीटों की संख्या बढ़ रही थी, शिवराज सिंह के कैमरे पर नजर आने की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इस दौरान उनकी नज़र टेलीविजन पर बदल रहे आंकड़ों पर भी बनी हुई थी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। लेकिन अंदरखाना चर्चा है कि तीनों का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे है, लेकिन शिवराज सिंह का पक्ष कहीं ज्यादा मजबूत है। वो इसलिए भी क्योंकि 1 जनवरी से 15 नवंबर के बीच शिवराज सिंह ने करीब 1000 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, यानी हर दिन शिवराज सिंह ने कम से कम 3 कार्यक्रमों को संबोधित किया। चुनाव के दौरान 37 दिनों में 137 रैलियों को संबोधित किया। उनकी सरकार की लाडली बहना योजना गेम चेंजर मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज बीजेपी के लिए भरोसेमंद चेहरा है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाना ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि सिंधिया ने खुद को सीएम की रेस से अलग बताया है। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है, वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूँ और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूँगा। बहुत बड़ा असर लाडली बहना मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है, और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व किसके नाम पर सीएम की कुर्सी के लिए मुहर लग सकता है, इसकी कोई अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन लगता तो यही है कि मामा शिवराज एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।